तो सर जो भी क्लास खाली होती है उसी में जाके बच्चों की स्टडी करवाने लग जाते, और प्राइमरी जो विंग है वहां पे तो जाके सर इतने खुश होते थे कि बच्चों को लगता ही नहीं था ये स्कूल के हेडमास्टर हैं, और बच्चे सर का हाथ पकड़ के सर मेरी क्लास में चलो मेरी क्लास में चलो, और कुछ बच्चे तो सर को देखते ही सर के पास दौड़े दौड़े आते, और ऑफिस में बच्चों को ये नहीं पता था कि भाई ये ऑफिस है, और सर के ऑफिस में पूछ के जाना होता है, अपनी बुक्स उठाई और ऑफिस में चले जाते सर हमें ये बताइए। और एक लड़की है गीता, इसका तो बहुत ही ज्यादा लगाव है सर के साथ, एक छोटा सा ये मोमेंटो भी लेके आई है और अपने विचार भी ये लड़की सर के लिए व्यक्त करेगी। गीता सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस छोटी नन्ही बच्ची का ये उपहार स्वीकार करें और दो लाइनें फिर ये लड़की बाद में बोलेगी। बहादुर बच्ची है स्कूल की और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, तो ये अपनी कविता सुनाएगी। अध्यापक जी, वह आपका परिवार, वह गुरुजन, छोटी वह बड़ी बहनों, मैं मेरा नाम गीता है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हमारे हेड सर रिटायर हो रहे हैं, मैं भी अपनी कक्षा की तरफ से कुछ भावना लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी भावना की कदर करेंगे। खिलता हुआ गुलाब थे आप, हमारे अंधियारे जीवन में ज्ञान का दीपक थे आप। हम सब बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था ध्यान, हमारी भूलों को माफ करके दे दिया विद्या का दान। अपनी अनमोल शिक्षा को खेल खेल में हमें सिखाया, संस्कारों का पाठ हमें पढ़ाया, सही गलत का ज्ञान कराया, हमारे निराश मन में आत्मविश्वास जगा दिया, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमें दिखा दिया। हेड सर हमारे आंगन को छोड़कर जा रहे हो आप, जीवन में सदा खुश रहो, यही है हमारी प्रभु से आज, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन हेडमास्टर सर हम जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाता है। ये खूबी तो सिर्फ आप में ही जी, हमारे ख्याल में आप जैसा प्रतिभा का धनी शायद ही कोई हो। याद आएगा हमें वो आपका पढ़ाना, हंसाना, सिखाना और धमकाना, याद आएगा हमें वो आपका हमारा छोटा सा हाथ पकड़कर कक्षा में ले जाना कहना, याद आएगा हमें वो आपका प्यार से सिर पर हाथ सहलाना, याद आएगा हमें वो आपका मंद मंद मुस्कुराना। यह सोचकर हम सहम जाएंगे जब आप हमें विद्यालय में नहीं पाएंगे, गलती से आपको दफ्तर में बुलाने जाएंगे, पर आपकी कुर्सी को हम खाली पाएंगे, फिर उदास मन से वापस कक्षा में लौट जाएंगे, फिर हमें एहसास होगा कि आप तो अपने परिवार में घुल मिल गए हो, शायद आप अब हमें मिल पाए। अंत में मैं अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा खुश रहें और स्वस्थ रहें, और आपके परिवार में यूं ही खुशियाँ बनी रहें, हमारी उम्र भी भगवान आपको लगाए। धन्यवाद। हंसकर जीना दस्तूर नहीं आते, यही तो सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी।